बच्चों, अभी हमने अधिनायक तंत्र को जाना, अब हम लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। लोकतंत्र यानी हम लोग। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों के हित में काम करते हैं, लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो कि अधिनायक तंत्र के बिल्कुल विपरीत है। लोकतंत्र में विपक्ष दलों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। जबकि अधिनायक तंत्र में इन सभी गुणों का पूर्णतः अभाव होता है, यानी लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से पूर्णतः विपरीत शासन प्रणाली होती है। बच्चों, आइए हम देखें विश्व के विभिन्न देशों में कब कब लोकतंत्र स्थापित हुआ।